या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ द मोशन। अब ये क्या है टॉपिक, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि सपोज ये ग्राउंड है और सपोज एक बॉल यहां से गिरेगी, राइट। यहां से बॉल को गिरना है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू यू। यहां पे जब बॉल गिरना स्टार्ट होगी तो आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करें, तो स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे तो यहां से यहां बॉल गिरती है, ये बॉल गिर गई कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना एस, या 10 मीटर 15 मीटर कुछ तो डिस्टेंस कवर होएगा, या कोई तो डिस्प्लेसमेंट होएगी इसमें। डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉल नीचे गिरी तो आप मुझे टाइम बताओ, बॉल कितने समय में नीचे गिरी, तो मान लो बॉल कितने समय में नीचे गिरी, 10 सेकेंड, मान लो 10 सेकेंड, ठीक है यहां तक। इस बॉल, ये बॉल जब ग्राउंड पे टच कर रही थी, ठीक इसके 1 सेकेंड पहले, इसके 1 सेकेंड पहले बॉल कहां पे थी, हवा में थी। कितने सेकेंड पहले की बात हो रही है, 1 सेकेंड। तो यानी कि यहां से यहां बॉल ने कितना टाइम लिया गिरने में, 9 सेकेंड। 10 सेकेंड में तो ग्राउंड पे टच कर जाती है, 1 सेकेंड पहले कहीं यहां पर होगी, और कितना समय लिया उसने यहां पे आने में, 9 सेकेंड। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को डिस्टेंस निकाल के बताओ कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, क्योंकि आखिरी सेकेंड बच गया था एक बॉल का नीचे गिरने में, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मान लो ये इसने यहां से यहां 10 सेकेंड में गिरना है, तो ये कौन सा सेकेंड है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, नहीं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। फर्क है, 10th एंड 10 में फर्क है। जैसे आपका स्कूल मान लो 10th क्लास तक है, +1 +2 नहीं आपके स्कूल में, और आज आप 10th क्लास में हैं, तो आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, लेकिन आप अभी 10th में हैं, तो यानी कि आप क्या बोलेंगे, मैं 10th में हूं, यानी कि मेरी अभी 10th क्लास चल रही है। उसी तरीके से 10th सेकेंड का मतलब मेरा अभी 10th सेकेंड चल रहा है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, 10 सेकेंड्स कंप्लीट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो जब मैं ये बोलता हूं कि एक जर्नी मान लो 100 सेकेंड में कंप्लीट होनी है, लेकिन 100th सेकेंड का मतलब लास्ट सेकेंड के अंदर उसका जो डिस्टेंस है वो 100th सेकेंड का डिस्टेंस माना जाएगा। क्लियर है? तो जब मैं बोलता हूं कि ये जर्नी मान लो 10 सेकेंड में कंप्लीट होनी है, और 1 सेकेंड पहले ये जो जर्नी है वो आखिरी 1 सेकेंड में कंप्लीट हुई, ऐसा बोल सकते हैं, या 10th सेकेंड में कंप्लीट हुई ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जब मैं 10th बोलूंगा तो 10वां सेकेंड माना जाएगा, 10वां मतलब आखिरी सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे इसको सोचना है आपने? अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि जैसे सपोज ये ग्राउंड है, राइट, और सपोज बॉडी यहां से चली और नीचे आ रही है, ये लो, और नीचे गिरने में बॉडी ने कितने सेकेंड्स लिए, n सेकेंड्स लिए। नॉर्मली टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, n से, कोई बात नहीं आप n ले लो। तो बॉडी ने नीचे गिरने में कितना समय लिया, n सेकेंड्स टाइम लिया। क्लियर है यहां तक? 1 सेकेंड पहले, ठीक इससे 1 सेकेंड पहले आपकी बॉडी कहीं यहां पर होगी, 1 सेकेंड पहले बॉडी यहां पर होगी। क्लियर है? तो ये बताओ कि यहां से यहां कितना टाइम हो चुका है, n-1 सेकेंड, क्योंकि आखिरी 1 सेकेंड तो ये बचा, टोटल टाइम टेकन कितना है, n सेकेंड्स है, तो 1 सेकेंड ऊपर का मतलब क्या होगा, n-1 सेकेंड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है यहां तक। अब डिस्टेंसेस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको भी देख लो। अगर मैं ये बोलता हूं कि पूरी जर्नी का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस, लेकिन इसके पैर में एन डाल दिया, यानी कि इसको कैसे रीड करेंगे, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन
एन सेकेंड्स. एस एन का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एन सेकेंड्स. उसी तरीके से अगर इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो बोलो क्या आएगा? एस माइनस वन. मतलब दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एन माइनस वन सेकेंड. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? एस एन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन सेकेंड्स. एस माइनस वन, एस ऑफ एन माइनस वन का मतलब दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एन माइनस वन सेकेंड. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अगर मैं ये कहूं कि मुझे आखिरी एक सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, बस ये वाला, तो मुझे आखिरी एक सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलो? मैं एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन वाले डिस्टेंस को क्या कर दूंगा? माइनस. राइट? तो ये कितने है? एस ऑफ एन. ये कितने है? एस ऑफ एन माइनस वन. और अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस आएगा, आखिरी एक सेकेंड का डिस्टेंस आएगा. क्या स्टेप क्लियर है? राइट? और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एस एन थ, क्योंकि टोटल जर्नी एन सेकेंड की है. आखिरी एक सेकेंड की जर्नी का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन थ सेकेंड. तो आखिरी एक सेकेंड के डिस्टेंस को कैसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एन थ, जो कैसे निकलेगा? एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को माइनस करके. क्या स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है कि आखिरी सेकेंड का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, जैसे टोटल जर्नी मान लो 10 सेकेंड की है, तो एस ऑफ 10 में से एस ऑफ 9, एस 10 का मतलब टोटल जर्नी इन 10 सेकेंड, एस 9 का मतलब टोटल जर्नी इन 9 सेकेंड को माइनस करेंगे तो बोलो क्या आएगा? एस 10th, क्योंकि टोटल जर्नी 10 सेकेंड की है, तो एस 10th का मतलब आखिरी एक सेकेंड का डिस्टेंस. क्या ये पॉइंट क्लियर है? कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी? क्लियर है? तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि आखिरी एक सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, तो आप लोग ऐसा माइनस नहीं करेंगे, इसका हम एक फॉर्मूला बनाएंगे. और क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एनथ सेकेंड, एक ही बात है. तो आप चेक करें, लेट अस सपोज ये बॉडी नीचे गिरती है, और नीचे गिरती है और बॉडी डिस्टेंस कितना कवर करती है? एस ऑफ एन. एक सेकेंड पहले ये बॉडी कहां पर है? यहां पर है. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितना है? एस ऑफ एन माइनस वन. आखिरी एक सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस ऑफ एनथ. एस एनथ क्या होगा? एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन. क्या ये स्टेप क्लियर है? और साथ में लिख भी दिया, एस एन का मतलब है, एस एन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन सेकेंड्स. एस एन माइनस वन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन माइनस वन सेकेंड. और मुझे क्या निकालना है? इन दोनों को माइनस करके एस ऑफ एन एथ निकालना है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉडी यहां से चलती है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है और एक्सेलेरेशन बॉडी की कितनी है? ए है. तो पूरा डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है एस एन, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं पूरी जर्नी के लिए? यू कैन अप्लाई फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वॉट? यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पर यहां पर पूरी जर्नी एन सेकेंड में कवर हो रही है, तो टाइम को रिप्लेस करेंगे बाय एन. तो जहां जहां टाइम यूज हो रहा है वहां वहां एन कर देते हैं. तो क्या ये स्टेप पहला क्लियर है कि एस ऑफ एन को हम क्या पुट कर सकते हैं? पूरी जर्नी एन सेकेंड में कवर हो रही है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि यहां पर टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया? बाय एन सेकेंड्स. क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो पूरी जर्नी, और मान लिया एक्सेलरेशन यहां पर, वैसे जी भी यू पुट कर सकते हैं बिकॉज बॉडी नीचे गिर रही है, पर चलो जी की जगह मैंने ए यूज कर दिया, तब भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि बॉडी वाई एक्सिस में मूव करे. कार भी मूव कर सकती है ग्राउंड के ऊपर. जब कार मूव करेगी तो एक्सेलरेशन ए रहेगी, जी नहीं रहेगी. तो मैंने ए ही यूज किया सिंबल. क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स है. सेम अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड, तो पूरा एन माइनस वन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो जहां जहां ऊपर की इक्वेशन में टाइम को मैंने एन पुट किया, नीचे की इक्वेशन में टाइम को क्या पुट कर देंगे? दोनों जगह एन माइनस वन. तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम को क्या पुट किया? एन माइनस वन. यानी कि अगर आपको एस एन निकालना है, तो यहां पर टाइम को क्या पुट करना है? एन. एस माइनस
एन माइनस वन निकाल लें तो टाइम को एन माइनस वन, क्लियर है यहां तक? पर एक्चुअल में मेरे को क्या निकालना है, मुझे तो एस एनथ निकालना है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एनथ सेकेंड या लास्ट सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला करवाया मैंने, एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को क्या कर देना है, माइनस। तो ये लो, एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को माइनस करेंगे तो एस एनथ आ जाएगा, क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ कि एस एन की वैल्यू थी कितनी, एस एन की वैल्यू है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये मैंने निकाला, ये देखो एस ऑफ एन माइनस वन भी निकाल दिया, तो क्या आया एस ऑफ एन माइनस वन है यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक ऑनलाइन वालों, क्लियर है? यस सर। तो इसमें एस एन की जगह यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एस ऑफ एन माइनस वन की जगह यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इन्हें काम करते हैं, ओपन करते हैं, देखो ओपन कैसे करना है, यू एन माइनस यू ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यू एन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन हो रहा है माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस, और ये जब टर्म मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ ए, और जब माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस टू एन इंटू ए बाई टू, ये रहा। मतलब इन शॉर्ट आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, जब आप पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके तो टू से टू हो गया कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ ए एन, फिर ये वाली टर्म इससे कैंसिल, यू एन वाली टर्म यू एन से कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच गई। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये टर्म बच गई, क्लियर है? अब इस टर्म में से मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म में से a बाई टू कॉमन निकाल लिया। आपको वो कैसे निकाल लिया, इसमें तो a बाई टू है पर इसमें तो a बाई टू है ही नहीं, फिर भी कॉमन निकाल लिया। कैसे, अगर मैंने इसमें से a बाई टू कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा, माइनस वन, और यहां पर a कॉमन आ गया, पर यहां टू तो था नहीं, तो मुझे टू से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, ऐसे करो a बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस a बाई टू, a बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करो, टू से टू कैंसिल, आंसर an। अब चेक कर लो, इस टर्म में से माइनस ए कॉमन निकालते ही सिर्फ माइनस ए, तो माइनस हाफ बचता, और यहां पर क्या बचता, एन बचता, पर यहां पर टू भी कॉमन निकाला तो टू कॉमन निकालने से यहां तो माइनस वन बच गया, और टू से मुझे क्या करना पड़ा, इसे मल्टीप्लाई, राइट? और टू एन वाली टर्म आगे लिख ली, माइनस वन पीछे लिख लिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो आज के बाद अगर आपको एस एनथ निकालना है तो इतना बड़ा माइनस नहीं करना, आपको सीधा क्या लगा लेना है, ये फॉर्मूला एस ऑफ एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, बस। जैसे मान लो एक जर्नी, एक बॉल 10 सेकंड में नीचे गिरती है और मैं पूछता हूं 10th सेकंड में कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इंस्टेड कि मैं 10 सेकंड के डिस्टेंस में से 9 सेकंड का डिस्टेंस माइनस करूं, इतना बड़ा क्वेश्चन करूं, नहीं करूंगा, मैं सीधा यहां पर क्या पुट कर दूंगा, एन की जगह 10, आंसर यू आर ए आपको गिवन होगा, आप यहां पर एन की जगह 10 पुट कर देना, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस किसका आएगा, 10 सेकेंड्स का नहीं आएगा, 10th सेकेंड का आएगा। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल 9th सेकेंड का निकालना है तो इस फॉर्मूले में एन की जगह 9, लेकिन अगर डिस्टेंस 9 सेकेंड्स का निकालना है, 9th नहीं 9 सेकेंड्स, तो फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ और टाइम को क्या पुट करो, 9, राइट? और अगर 9th निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, 9 निकालने तो ut plus half at square formula। क्या ये difference clear है? इसमें numerical practice भी करेंगे आज हम। तो क्या ये point clear है यहाँ तक?
ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर वन है। तो मेथड नंबर वन नॉर्मल मेथड है, दो डिस्टेंस को माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये मेथड नहीं पसंद और उसको कैलकुलस ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो फिर वो कैलकुलस से करे। मेथड नंबर टू ऑप्शनल है, आपको जो मेथड पसंद है आप उस मेथड से करना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलस के अकॉर्डिंगली जब बॉडी नीचे गिर रही होगी तो वी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी, राइट? ठीक, ठीक। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब यहां पर v को क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस ए टी, ऐसी डेरिवेशन पहले भी की थी, और फिर इसे ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करके लिमिट ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जर्नी यहां से यहां तक लेके आनी है, और जर्नी स्टार्ट कहां से हुई, ऊपर से, तो ऊपर वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट। तो मेरी जर्नी कहां से कहां जा रही है, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक जा रही है। तो मेरी जर्नी एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक जा रही है। तो देखो डिस्टेंस की लिमिट क्या लगाई मैंने, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक। तो डिस्टेंस की लिमिट है वो क्या लगी, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक। और टाइम की लिमिट क्या लगेगी, हमारी जर्नी कहां से कहां चल रही है, यहां से यहां, यहां पहुंचने में कितना टाइम है, एन माइनस वन, और नीचे पहुंचने में कितना टाइम है, एन सेकेंड्स। तो क्या आएगा इसमें, एन माइनस वन से लेके कितना, एन तक। तो आपकी लिमिट क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन से लेके एन तक, और एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस ऑफ एन तक। बाकी इंटीग्रेशन का खेल है, वन डी एक्स इज, इसको ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, एक कॉन्स्टेंट है, लिमिट पुट कर लो। वन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स है, वन डी टी की टी है, टी की टी स्क्वायर बाई टू है। एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, माइनस करेंगे आंसर वही आएगा। कौन सा मेथड पसंद है, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट कर लो। कोई कह रहा था सेकंड ठीक है, मैंने कहा सेकंड क्यों, कहते दो डेरिवेशन का कॉपी तो है, एक लिमिट तो चेंज करनी है, जब वो दो कर ली तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपनी अपनी चॉइस है, आप मेथड टू करना चाहते हो मेथड टू करो, मेथड वन करना चाहते हो मेथड वन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? मेथड टू में जब बॉडी नीचे गिर रही है या चल रही है तो वी डी एक्स बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी यू प्लस ए टी। हमारी जर्नी आखिरी एक सेकेंड में है, आखिरी एक सेकेंड कहाँ से कहाँ चल रहा है, एन माइनस वन से एन तक। आखिरी एक सेकेंड कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे जब बॉडी चली थी तो टाइम कितना हो चुका था, एन माइनस वन, जब नीचे आ गई तो टाइम कितना हो चुका है, एन। तो एन माइनस वन से एन तक का टाइम लगेगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, स्टार्टिंग ऊपर से होनी है इसकी, जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग है वो ऊपर से ही है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, एस ऑफ एन माइनस वन, और नीचे तक डिस्टेंस कितना है, एस एन। तो लिमिट देखो क्या लगाई, एस ऑफ एन माइनस वन से लेके एस एन तक। इसे इंटीग्रेट करके आंसर सेम आएगा, हालांकि आप मेथड वन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है यहां तक? तो अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं कि इसके बेस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे चलेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर, आपकी शीट नंबर नाइन, नाइन्थ,